हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि हरियाणा से है। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार में जुटेंगे दिग्गज। यमुनानगर टोहाना में अमित शाह की रैलियां हैं, अंबाला में मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे, दबाली और रानिया में अरविंद केजरीवाल का रोड शो होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज आपको दिग्गज जो है चुनाव प्रचार करते हुए हरियाणा में नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कमबैक की, लगातार कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाते हुए वो जीत दर्ज करना चाहती है। और सीधे अंबाला लिए चलते हैं और वहां पर विशाल अंग्रिश मौजूद हैं। विशाल अंग्रिश, आपकी मौजूदगी है और ये बताइए कि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो कुमारी शैलजा, एक तस्वीर आई थी उससे तो ये लग रहा था कि सब ठीक है, आखिर वो क्यों नहीं जा रही हैं चुनाव प्रचार के लिए? देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँचेंगे, लेकिन वहीं पर आज कांग्रेस द्वारा भी साफ कर दिया गया है कि जल्दी ही कुमारी शैलजा प्रदेश में जो रैलियों को संबोधित करती हुई दिखाई भी देगी। और इसी के चलते ही यदि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि वो लगातार ही चाहे वो कैथल हो या फिर कैथल के आसपास का एरिया हो वहाँ पर 22 रैलियाँ भी करेंगे। इसके साथ ही कुमारी शैलजा 26 तारीख को निर्वाणा में एक बड़ी रैली भी करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार हमने कांग्रेस को जिताना है, उसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष तौर पर जिक्र भी किया गया है। और वहीं पर मैं आपको स्टेज पे दिखाना चाहता हूं कि जहां पर हरियाणा की कांग्रेस को एक करने की जो कवायद थी उसी के चलते ही जो मेन बोर्ड लगाया गया है उसमें चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इसी तरह दीपेंद्र हुड्डा हो, जहाँ हरियाणा के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं और वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उनका पोस्टर लगाया गया है। और वहीं पर इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जहाँ पर जो लोग हैं वो धीरे धीरे हजारों की तादाद में जुड़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये पुलिस लाइन में आज एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी जीटी रोड बेल्ट के माध्यम से, क्योंकि ये जो इलाका है पंजाब के साथ में लगता है और पंजाब का जो बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हुए हैं और किसान, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो पंजाब और हरियाणा के जो बॉर्डर होंगे उनको खोल दिया जाएगा। और उसके बाद तो देखिए चुनावी माहौल क्या है हरियाणा में, हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे थे।